पिछले कुछ महीनों से पंजाब के शिक्षक अपनी कुछ मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के शिक्षकों के प्रदर्शन में उस वक्त और ज्यादा जान गई जब इन शिक्षकों को आपका साथ मिला। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली पहुंचे और इस दौरान केजरीवाल ने शिक्षकों के साथ मुलाकात की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब में शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हुई तो शिक्षकों ने आंदोलन का सहारा लिया और शिक्षकों का ये आंदोलन उस वक्त और ज्यादा मजबूत हो गया जब आंदोलन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोहाली पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल आम शिक्षकों के धरने में शामिल हुए, आंदोलनकारी शिक्षकों की बातें सुनी और उन शिक्षकों से मुलाकात भी की जो अपनी मांगों को लेकर एयरपोर्ट रोड पर पानी की टंकी में संघर्ष कर रहे थे। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे? सर आप पे भरोसा, हम ये नहीं कहते कि आप पे विश्वास नहीं है सर। आपका तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और भगवान सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए सर। तो सर, मेरे मैं एक लड़की हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है जहाँ पे रहना 47 days हो गए सर, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं समझा मेरी तकलीफ को सर। मोहाली में अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ शिक्षकों का विश्वास जीतने का काम किया बल्कि शिक्षकों को ये विश्वास भी दिलाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर शिक्षकों की मांगे पूरी की जाएंगी और ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को पूरा करने का काम भी किया जाएगा। स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का माहौल खराब था। हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमने कोई टीचर नहीं निकाला, वही टीचर काम कर रहे हैं जो पहले काम कर रहे थे। हमने बस माहौल बदल दिया, अब टीचरों को लगने लगा कि ये हमारी सरकार आ गई है, ये हमारे साथ खड़ी है। उन्हीं टीचर्स ने, जो टीचर पहले काम कर रहे थे, उन टीचरों ने कमाल करके दिखा दिया, पूरे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल दी। टीचरों के जितने मसले थे वो सारे मसले मैंने ठीक करे और टीचरों ने मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक कर दी। मैं आज केवल ये कहने आया हूं कि मैं भी आपको वादा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का करेंगे, लेकिन मैं इस बात पे आपको भरोसा दिला रहा हूं कि दिल्ली में करके आया हूं टीचरों के मसले हल, इसलिए पंजाब के अंदर भी मसले हल करेंगे। पंजाब में साल 2003 के बाद 5 श्रेणियों के तहत 13,090 संविदा शिक्षकों की भर्तियां की हैं। ये शिक्षक नियमित किए जाने की मांग को लेकर पिछले करीब 165 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से पंजाब के मिशन पर हैं। अपने पंजाब मिशन के दौरान मुख्यमंत्री पंजाब की महिलाओं के लिए जहां कई अहम ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों को पूरा आश्वस्त किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर उनकी मांगे भी पूरी की जाएंगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।